आखिर दादाजी इतने उदास क्यों है और पंखुड़ी गाय को इस तरह बांधकर क्यों रखा हुआ है? तो बात ऐसी है कि अचानक रात में हमारी पंखुड़ी गाय बीमार हो गई। दादाजी ने किसी को नहीं बताया कि गाय बीमार हो गई। अगली सुबह बड़े पापा और मैं गायों को चारा डाल रहे थे तो पंखुड़ी गाय चारा नहीं खा रही थी। दादाजी ने बहुत दुखी होते हुए बताया कि यह पंखुड़ी रात से ही बीमार हो गई है। तो मुझे भी बहुत दुख हुआ क्योंकि एक एक करके सभी गाय बीमार होती जा रही है, इनके इलाज में बहुत खर्चा होता जा रहा है। पापा डॉक्टर को फोन लगाते हैं, थोड़ी देर में डॉक्टर साहब आ जाते हैं, गाय का इलाज करने लग जाते हैं। इधर पापा भी टेंशन में है, दूध बेचकर जितना पैसा बचता है वो तो इलाज में ही खत्म हो रहा है, लेकिन बीमार गायों का इलाज कराना भी जरूरी है क्योंकि इनका दुख हमसे देखा नहीं जाता है। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब इलाज करके अपने घर की तरफ निकल जाते हैं और हम भी अपने काम में लग जाते हैं। अगर आप भी भगवान कृष्ण को मानते हो तो इन गायों के लिए वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।